दुकानदार भाई मेरे साथ खड़े हैं, आप बैठ जाइएगा सभी और इनके नारेबाजी सुनिएगा। ये कैसे नारे लगाते हैं, किस कदर नारे लगाते हैं। सैन को बता लो अरे चोरा का इलाज कर लो भाई, बात सुन लो, दूध के दोहे को नहीं है ये एसडीएम पर के दूध के दोहे को नहीं, जब दूध के दोहे हो तो इंसाफ करें जी, जो इंसाफ नहीं कर सकता वो दूध का दोहा नहीं है, चाहे वो आसी का प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने देखा है सालों से आसी का प्रशासन खतरनाक मोड़ पा चुके हैं, हर आदमी को तंग करते हैं, पानी को उन्हें भरे गोड्डा गोड्डा है, अरे तागड़ी तागड़ी पानी भर किया हुआ है, और ये मैं तहने दुकान में दबाने बिगड़ने के चक्कर में, अरे तो शर्म आनी चाहिए, पहले तो पानी पूरी का प्रबंध करना चाहिए, उनका नाम है, अरे मार्केट साफ सुथरी करने की बजाय किसे लोग बैठे हैं पानी पूरी में उनको भी बाहर दबाने का काम कर है, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी हस्ती हटेगा, आम आदमी हसीगा, तारे साफ कर भाई जब रानी की दूध खोली गेट पर क्यों खड़े हैं इसका मौजू मैं बताई देता हूं कि यहां एसडी महिला कॉलेज की 60 दुकानदार हैं, 60 दुकानें हैं, इनका कहना है कि एसडीएम जो रिसीवर बनाया हुआ है इनकी दुकानों का, एज ए रिसीवर काम कर रहा है, हमारे साथ जातियां कर रहा है, इनका कहना है कि हमारी 60 दुकानें हैं जिनका किराया यानी कि 5 साल बाद 25% बढ़ना चाहिए था, वो 5 लाख रुपया यानी कि कर रहा है, यानी बार बार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो दुकानें सब लेट होनी चाहिए थी 5 लाख में उनका भी 3 लाख का बना दिया गया है सर, और इस तरह जो डेकोरेट होनी चाहिए दुकानें तो उनको पर्ची काट कर उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, ऐसे में ये सभी दुकानदार रजिस्टर कर रहे हैं, और मेरे साथ खड़े हैं एसपी महिला कॉलेज मार्केट के प्रधान अजय सैनी जी, इनसे जानते हैं कि क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, और दरी बिछाकर ये एजिटेशन कर रहे हैं, एसडीएम प्रशासक है जो इस कॉलेज का, और जो प्रिंसिपल है मिस्टर गुप्ता जो यहाँ की मैनेजमेंट के यानी कि सो कॉल्ड मेंबर भी हैं, तो वे जाती कर रहे हैं, इनका कहना है इन्हीं के मुख से जानते हैं कि एसडी महिला कॉलेज में 60 दुकानें हैं, तो इनकी क्या क्या यानी कि जातियां हो रही हैं आप बताइए, अजय सैनी जी बताइए, खुलासा करिएगा सर, ऐसा है आप प्रधान है यहाँ जी, सर मैं हमारे यहाँ प्रधान हूँ, सबसे पहले तो मैं भाई विनोद राठी जी का, मनोज राठी जी का, भाणा जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा धन्यवाद करता हूँ, उनको निर्माण आगे हमारी स्थिति, और मैं बताना चाहूँगा सर हमारी 60-70 के लगभग दुकानें मार्केट के अंदर, और लगातार 6 महीने से जब से एसडीएम हासी में आया है इन्होंने इतना परेशान कर रखा है हमें बहुत ज़्यादा, कभी वीडियो फिल्म बना के लेकर आएगा, कभी नोटिस भिजवा देगा, कभी पुलिस ये भी दुकानें खाली करो, चक्कर क्या है सर हमारी मानो दुकानें हमारी दुकानें हैं, हम काम चलाने के लिए उसको डेकोरेट तो करेंगे, ये कहते डेकोरेट भी करोगे तो ही पर्ची कटेगी 2 लाख रुपये की, क्या ही पर्ची कटवाएं 2 लाख रुपये की इनकी जी, नोटिस उसी टाइम नंबर दो बात हर संस्था के अंदर 3 लाख रुपये का नॉन ट्रांसफर का रेट है, हम कहते हैं 3 किस्म का है 3 वहाँ से ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसडीएम कहता है कि 5 लेऊंगा तो सर ये भी जाती है हमारे साथ, और ये लगा लो दुकानें मानो मेरी दुकान है, मेरा भाई बैठ गया तो उसका भी नोटिस चुपका दिया उन्होंने, भाई आपका भाई क्यों बैठता है दुकान पे, चुपके से जाके वहाँ फिल्म बना लेते हैं, वर्कर बैठा है उसको फिल्म बना दी, देखो आप तो नहीं वर्कर है कोई, ये थोड़े मालिक पूरे दिन दुकान पर बैठेगा, वर्कर तो होंगे दुकान पे, कुल मिला के सर हमें बार बार धमकी देते हैं, और वहाँ मिलने जाते हैं वहाँ से धक्के दे के हमें निकाल दिया एसडीएम ने, हफ्ते पहले गए थे वहाँ उनके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, हम जब भी गए हैं बड़ी बेइज्जती करने निकाले उन्होंने, कॉलेज में आते हैं प्रिंसिपल कहता है कि एसडीएम से मिलो, वहाँ जाते हैं धक्के मारता हमारे हमारे मतलब दुकानदार भाई की बड़ी दुर्गति की रखी थी उन्होंने, क्या अल्टीमेटम था आपका, अल्टीमेटम ये है सर हमारा अगर मान लो कल तक समाधान नहीं हुआ इस बात की जो हमारी समस्याएं हैं तो हम कल से पूरे शहर की मार्केट प्रधानों को इकट्ठा करेंगे, पूरा शहर इकट्ठा करेंगे और इलेक्शनों का बहिष्कार करेंगे जी, पूरी मार्केट ना तो वोट देगी ना हमारे जो परिवार के रिश्तेदार हैं ना उनको वोट डालने देंगे जी, हम हमारा समाधान नहीं होता, नोटा पे दबाएंगे जी हम, हाँ तो सभी मैं तो मीडिया के माध्यम से सभी नेताओं को सबको कहना चाहूँगा और सभी मार्केट प्रधान से भाई यहाँ आके हमारा समर्थन के हमारा सहयोग दें ताकि हम
सुरक्षित मतलब प्रेस की। मेरे साथ खड़े हैं भाजपा नेता नरेंद्र भ्याना जी, विनोद भ्याना जी के अनुज भ्राता हैं, और जो इस धरना प्रदर्शन पे अपना समर्थन देने आया, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी मांग किस कदर वाजिब है और आप किस कदर इनकी मांगों को पूरा करवाने का आह्वान करेंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे। आप पूर्व में डायरेक्टर भी रहे हैं, आप यहाँ हैपेड के तो सरकार में भी आपका हिस्सा रहा है, तो बताइए। मैं मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों से को आश्वासन देता हूं कि किसी भी दुकानदार भाई से कोई नजायज नहीं होने देंगे। ये हमारे अजय सैनी जी जो इस मार्केट के प्रधान हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और बाकी जितने भी दुकानदार हैं हमारे भाई हैं, और वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, किसी के साथ भी 1% नजायज नहीं होने देंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत हम आप लोगों के साथ हैं। अगर कहीं भी अगर आप लोगों के साथ विरोध में कई आप लोगों के साथ विरोध होता है, हम आपके साथ खड़े हैं। राजनीति बाद में है, हम हमारा भाईचारा पहले। पहले ये बताइए इनकी मांगे जायज हैं? देखो बिल्कुल जायज है मांगे, बिल्कुल जायज है मांगे, और इनके साथ बिल्कुल 1% भी नजायज नहीं होने देंगे। और बीजेपी सरकार ने पीछे भी आप लोगों को पता है कि जो 15-15 साल के 20-20 साल के परमानेंट किराएदार हैं उनको दुकानें अलॉट की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, किसी भी दुकानदार के साथ किसी भी व्यापारी के साथ नजायज नहीं करते। अगर कहीं भी कोई नजायज होगी, अगर हमें आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री जैसे ही मिलना पड़ा तो आप लोगों के लिए मिलके और आपका पूरा न्याय करवाएंगे, किसी दुकानदार से अन्याय नहीं होने देंगे। ये मेरा आज वायदा है आपके साथ। धन्यवाद। मेरे साथ खड़े आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज राठी जी, जरा दिल थाम के बोलिएगा, आप बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, और जितनी इनकी मांगे हैं वहीं तक सीमित रहिएगा, इसको राजनीतिकरण मत कीजिएगा। मैं मनोज राठी जी का स्वागत करता हूँ हंसी की आवाज़ मीडिया पर। तो आप यहाँ आए, धरना प्रदर्शन पर आए, आपने धरने को समर्थन दिया, आपको इनकी मांगे सब जायज लगती हैं? पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़्यादा क्यों बोल जाता हूँ कि दिल में दुख होता है जब किसी आम आदमी को तकलीफ होती है। आम आदमी को तकलीफ होती है, नेता लोग उसको आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दे पाते। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज ये टोपी किसकी पहनी हुई है आपने? आम आदमी पर। ये नेता की लगती है मुझे तो। आज नेता की नहीं, आम आदमी है जी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, और शर्म की बात है कि यहाँ धरना लग चुका है। अगर बीजेपी चाहती है तो पहले धरने को रोके भाई। पर सरकार नहीं है, इलेक्शन में सरकार खत्म हो जाएगी। कौन कहता है जी, मुख्यमंत्री के लाज भी 50-50 गाड़ी हंड है, सारे अफसर हाजरी मारते हंड है, सारी दुनिया में मेला है। अरे एक बात सुन लो, एक आम आदमी कोई पुलिस वाला भी खेलना को नहीं। अरे यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, 5-5 पुलिस वाले हंड है, इसी को तो कहा हाथरी मारना। अरे आपको भी मिला हुआ? नहीं मिला हुआ हमें, कोई गनमैन नहीं मिला हुआ। इसी को तो कहा है जी, इसी को तो कहा है जी, साहब के पास भी नहीं, इसी को तो कहा है बीजेपी, बीजेपी पार्टी के साहब के पास गनमैन है जो? नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी ये कह दे, देखो झूठ बोलने का फायदा नहीं होता। ऐसे आप सुनो, आम आदमी का समर्थन है जी, समर्थन धरने को। और अगर एक आश्वासन और दूं सारे भाई आने सारी मार्केट में और पूरा शहर को, अगर आम आदमी की सरकार बनी तो किसी आदमी को धरना देने की जरूरत को नहीं जी, किसी को प्रदर्शन करने की जरूरत। आपकी पार्टी तो धरने से ही शुरू हुई है। कोई बात को नहीं, आम तो बात सुनो, हमने धरने तो शुरू करी, लेकिन दिल्ली में आज कोई धरना कौन देवे? पहले धरना की बीमारी मिटा दी, धरना शुरू होने तो पहले उनकी बीमारी मिटा देंगे, तो उन्हें बताओ धरना क्यों देवेंगे जी? मंत्री बनने के बाद भी ऐसे स्ट्रीमों को हम हाँसी में नहीं रहने देंगे, जो लोगों को तंग करेंगे ऐसे लोगों को हम शहर में नहीं रहने देंगे। जब गलत आदमी शहर में रहेगा ही नहीं तो नू करना क्यों देना पड़ेगा? आप तुमने जायज मांगों का समर्थन करते हैं? समर्थन को नहीं अड़के खेल रहे जमाते। एसडीएम हसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम हसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम हसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, आप किस स्टैंड तक इनको पूरा करवाने का, कितने दिन में पूरा करवाने का? मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल वाजिब है,
मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि इनकी जायज मांगे हैं और इनकी मांगे पूरी होंगी। आज आचार संहिता लगी हुई है और इस आचार संहिता में मैं कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकता, और आगे भगवान की दया से, आप भाइयों के आशीर्वाद से सरकार बीजेपी की आएगी और किसी भी दुकानदार के साथ नाजायज नहीं होगी। ये दुकानदार सारे हमारे भाई हैं और हमारे दिल के टुकड़े हैं, किसी के साथ नाजायज नहीं होगी। मैं आपको वायदा करता हूँ। साढ़े तीन साल से एसडीएम साहब के अंडर कॉलेज चल रहा है जी, उससे पहले कई एसडीएम आए हैं, किसी ने पैसा नहीं किया। जब ये एसडीएम है लालची है, पैसे का लालची है जी, बनारस एसडीएम है ये, और ये अपना मतलब उस चक्कर में मतलब ये परेशान करना रहे जी। बाकी सर ये मैं था राजीव बंसल, यहाँ की एसडी महिला कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने यानी कि हाँसी की आवाज पे ये धरना पे बैठे हैं ये एसडी महिला कॉलेज के सभी दुकानदार। मेरे आजू बाजू आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र भ्याणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनका कहना है कि पूरा प्रधान सुशील मित्तल जी भी पीछे खड़े हैं, ये सभी दुकानदार खड़े हैं, इन दोनों का कहना एक ही कहना है कि आपके साथ जाती हो रही है, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगने के बाद और यानी कि यहाँ के सभी दुकानदारों की समस्याओं का हल करवा दिया जाएगा। 5 लाख ये बार बार कह रहे हैं कि 25 यानी 5-7 बार किराया बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो तुरंत प्रभाव से किराया बढ़ाते हैं, दुकानदारों की डेकोरेशन के ऊपर नोटिस जारी किए जाते हैं। स्टेटमेंट लो। हाँ मित्तल साहब आइए बताइए, आप तो पूर्व में भी प्रधान रहे हैं और ये सारी समस्याओं बखूबी वाकिफ है। हमारा कॉलेज के साथ उनकी मित्रों का संबंध है, पहले प्रधान भी रहे हैं, बाद में गोविंद भाई, तो जब भी उनको कोई बात करते थे मान जाते थे। अब जब से प्रिंसिपल आए हैं और जब से एसडीएम साहब आए, इन्होंने कहा ना सही रवैया अख्तियार कर रखा, ये कहना कि रवैया अख्तियार नहीं होगा। ऐसा है कि इनके यानी कि नरेंद्र भ्याणा जी बराबर कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगे हटने के बाद, चुनाव होने के बाद इनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा, लेकिन प्रधान ने अल्टीमेटम दिया है इनके ना अजय सैनी ने कि तुरंत प्रभाव से हमारी सारी मांगे मान ली जाए और एसडीएम महोदय तानाशाही डिक्टेटर ने अपना रवैया को बदले और दुकानदारों को राहत दें। ऐसा ही मनोज राठी जो मेरे मित्र भी हैं और इनका भी कहना है कि भी राहत दी जाए दुकानदारों को, यहाँ राजनीति मत कीजिएगा, लेकिन दुकानदारों को राहत देने के लिए दोनों ही आए हैं, दोनों ही शहर के बासिंदे हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं। बोली भाती जी बेशक से रहिए, आप अलग पार्टी से खड़े हैं, इनके भ्राता अलग पार्टी से खड़े हैं, लेकिन दुख तो दोनों का साझा है, समझा है, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का आता है भाई। मान लो हम आज पावर में होते तो 200% एसडीएम का ज्यादा आप देंगे, 3.5 साल हो गए तंग करदानी को, आज थोड़ी तंग करने लग गया है। अरे सरकार बीजेपी के मारो बदली ठाके मेवा तो मैं हड़े के काम, उसका जो तंग करे उसका यहाँ के काम है जी। सारी दुनिया ने मेरा है, गलत आदमी है, सारी दुनिया ने मेरा है, 10 बार तो मैं मटके फोड़े है उसके, समझ में बोलिया बीजेपी सुते खड़े हैं सब तो पास करते हैं जी। आप बताइए कि भी जैसे ही पावर में आएगी सरकार, जैसे लोग बात कह रहे हैं कि रिटेन होगी गवर्नमेंट, तो एसडीएम महोदय का क्या करेंगे आप? मैं सभी दुकानदारों को आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि कोई भी अधिकारी, एसडीएम नहीं, यहां अगर एसपी डीसी अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसको यहां से बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे, किसी भी दुकानदार भाई के साथ किसी भी और अन्य आदमी के साथ नजायज नहीं होने देंगे। ये मैं आश्वासन सहमत है ना मुख्यमंत्री, एक बात बताओ जी, बीजेपी की फिलहाल सरकार डीएसपी डीएसपी पुलिस वाले खूब तंग करे भाई, अरे 50,000 का चलान काटे भाई, सब 50,000 का चलान क्या क्या ने बदलेंगे, हमार तो समझ में को नहीं आवा जी, किस किस ने बदलेंगे सब झूठी बात। मनोज राठी जी का गला बैठ गया, इन्होंने सारी समस्याएं सुनानी शुरू कर दी है, लेकिन हम धरातल पर आए, एसडी महिला कॉलेज की समस्या है जिसका आचार संहिता के बाद यानी कि कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन हमारे एसडी महिला कॉलेज के प्रधान है, इनका कहना है कि अल्टीमेटम क्या दिया आपने, जब दोबारा फिर ऐसा है अल्टीमेटम इसलिए दिया है हमने, कल सुबह तक का हमारे नोटिस जारी कर रखे हैं, अगर हम उसको कार्रवाई नहीं करते हमारा किराया नहीं लिया जा रहा, हम किराया नहीं देंगे, हम तो वैसे फंस गए कानून इस गंदे में, हम तो वैसे फंस गए ना, तो किराया लेने लग रहे हमारे से, तो नोटिस को हटके हमारे को वैसे दे रखे हैं, इसका समाधान हो कल तक तो बिल्कुल समाधान होगा, 100% होगा, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ और मीडिया के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी एक दुकानदार से भी नजायज नहीं होने देंगे।
चाहे यहाँ SDM हो चाहे DC हो, कोई भी हो, किसी को नजायज करने का कोई हक नहीं है। आप तो यही कह रहे हैं नजायज करने का, 200% गलत करने लग रहे हैं जी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनकी समस्या का कौन हल करवाता है, कौन नहीं करवाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और प्रधान जी ने अपना, आज सैनी ने अल्टीमेटम दे दिया है, कल तक इनके नोटिस वापस नहीं दिए गए तो ये धरना प्रदर्शन वहीं करेंगे जहां SDM चाहेगा, और जहां SDM महोदय बैठे होंगे, इनका अल्टीमेटम है कि इनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान होना चाहिए, इनके दिए हुए नोटिस और किराया वसूलना चाहिए, इनसे किराया भी नहीं ले रहे हैं ताकि दुकानदारों को बेघर कर दिया जाए, इनका कहना है, ऐसा उनकी मंशा है। लेकिन ये अल्टीमेटम देकर अपने कोशिश की, मगर मैंने क्लियर बता दिया था, जो सफाई अभियान था कि सफाई क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप जनता का भलाई का काम करें, अच्छा आप कर दीजिए। तो उस टाइम भी इन्होंने FIR करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, मगर मैं धमकियों में नहीं आया, मैंने अपने निर्णय को। और आप भाइयों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी को, डरने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई मेरे साथ भी जो ना की गई थी, मेरे खिलाफ भी की गई थी, मगर टाइम खुश हो गई के भाइयों साथ भी कोई जाती ना होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल बंदरबुद्धी देते हैं, जब सामना करेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने करेंगे। ये थे प्रेम मलिक जी, एक समाज सेवी हैं, आज मैं राजीव बंसल हासी की आवाज से फिर खातिब हूँ आप।